मैंने एक ऐसा तेल जादुई बनाया ना जिससे मेरे बाल जो है इतने लंबे हो गए। वॉकिंग डॉल को क्या होंगे? हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? हूँ करते हैं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अयानू कर रहा है भाई की गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अयान मालिक और मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ। नया नहीं हूँ, बस रेडी हो गया हूँ। टप्पे चेंज कर लिए, नाइट शूट निकाले। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? नहीं दीदी की क्लिप नहीं, दीदी की क्लिप नहीं, मम्मा का ये ले लो स्पिनर ले। सुबह को क्या कर दिया? मेरी बिटिया अलानी की क्लिप निकाल। नहीं बेटा, भाई तू ही ले ले, ले उसको मत लगा, तू ही ले ले ले। हाँ अच्छा है, फिर अच्छा है। तू ले ले, तेरी बहन की तो कोई बात नहीं। देर हो रही अपनी क्लिप के लिए। मम्मी मेरी क्लिप, पायल क्लिप के लिए लड़ाई हो रही है। क्लिप दे दे, दूसरी क्लिप ला दू। इसके लिए हम बहुत सारा सामान दे 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 दे। वो कहा है पायल, बैंड का है, तूबा का पिनाती हूँ। मैं भी निकालती हूँ, पहले निकाल में से पिनाऊंगी। पायल क्लिप की तलाश में घूम रहा है। क्लिप मैंने छुपा दी बेटी, क्या हो गया बेटे? क्लिप मांग रही है अपने पीछे। कहाँ ध्यान है तेरा? इसका ध्यान पूरा क्लिप पे है, इसके बालों को। अरे मैंने वो मंगाया ना, ये ठीक लग रहा है, एक्सटेंशन लगा छोटी कर दूंगी इसकी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये बोल रही है तो गाइस, मेरा मम्मा ने आज मेरे लिए एप्पल वॉच लेके आए हैं लाइक दिस, और मम्मा फोन लेके आए। विच वन देख लो आप? नहीं आप बताओ ना, विच वन वर्चू? वो कभी ट्रैक नहीं होता। वेरी गुड, अभी क्या खा रहे हो? प्याज का पराठा। चलो ठीक है, ध्यान से। गुड मॉर्निंग जादू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग कलता है मम्मा को। गुड मॉर्निंग सो मच इन द ईयर्स, सो मच सो मच। साफ कराओ, दोनों भाइयों ने करा लिया है। मैंने घर आते दोनों के कान साफ कर लिए थे, क्योंकि मेरे को कान साफ करना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा चलो चलो चलो, एक कान हो, एक कान हुआ है। ओए बाहर आकर गुब्बारे फुलाती है, बबल्स फुलाती है मुझसे। देखो ये इन द ईयर्स टू मच, जाके लाइक नाकू, तीनों बच्चों को कोल्ड हो रहा है थोड़ा थोड़ा। मौसम अच्छा हो रहा है, चलो चलो चलो, तेज हो रही है। अरे बड़ा ठंडा मौसम हो रहा है। तो गाइस सबसे पहले आते ही ना घर की हालत देखी, और मुझे इतना वो हो रहा था कि यार सिर्फ 7 दिन में की हालत ये है। आप लोगों को कैमरे में अच्छी दिख रही है, क्योंकि पर पूरा सामान ऐसे फैला हुआ था। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ, मैंने ये बना दी अपनी हेयर एसेसरीज की टप्पी। ये सारे मैंने ऑनलाइन मंगाए थे मीशो से, ये सब मैं वहां से चांदनी चौक से लाई थी। ये भी मैंने मीशो से मंगाया था, और सच में मीशो का भी सामान बहुत अच्छा आया, दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने वहां से ऑर्डर किए थे, ये ऑर्डर किए थे, ये ऑर्डर किए थे, ये पिंस ऑर्डर किए थे, ये सब आ गए। नकली बाल ऑर्डर किए थे, दिखाती हूँ। तो गाइस ये वो बाल है जो मैंने एक दिन में पैदा हुए हैं। मैंने एक ऐसा तेल जादू ही बनाया ना जिससे मेरे बाल जो है इतने लंबे हो गए। बेइज्जती करना जरूरी है मेरी? ये मेरे बाल में मैच कर रहे, क्योंकि मेरे बाल। हाँ मैं यही बोलने वाला था भाभी अभी। शुक्र हो भगवान का, पहले मेरे बाल में, मेरे को कोई छोटे बाल के लिए ताने नहीं देगा। जैसे कोई देगा उसके मुंह पे बाल मांगे। पर तेरे पे शॉर्ट हेयर ज्यादा? हाँ मेरे पे ज्यादा हेयर शॉर्ट है, पर कभी बाल मेरे को छोटी बनानी हो। अरे उसके लिए करेंगे ना शादी के लिए। देख ये रबड़ के ऊपर, ये रबड़ कितना गंदा लग रहा है। तो गाइज ये मैंने मंगाया था और ये आ चुका है, और ये सच में इसकी क्वालिटी अच्छी है। इसको ना अगर ये थोड़ा बहुत वो भी हो गया ना, मैसी भी हो गया, तो मैं इसे ड्राई क्लीन कर दूंगी शैम्पू वैम्पू। वॉकिंग डॉल को क्या हो गया? सुबह की जैसी हुई है तो उड़ी 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 उड़ी। तो भाई यहाँ पे मैं दुल्हन का सारा सामान जो है ना अच्छे से पैक कर रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना चीजें मिलने नहीं। मेरा फोन आ गया इम्पोर्टेंट। पता आपको भैया, टिक्कू भैया, मंदीप भैया, सूरज भैया, सबको जूते मिले और जुराब भी मिली। पूछो कितना खुश है, चमक नहीं रहा भाई? एक काम कर, एक जूते मेरे को दे देगा? एक जूते दे दिया, नंबर क्या है? अरे पड़े बहुत जूते हैं, टेंशन ना ले। ठीक है भैया, ऐश कर, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है भाई, इतना सारा सामान फैल रखा है, इतना सामान फैल रखा है ना, एक लगेज, दो लगेज, ये सारा, ये सब ये तो मैं ड्रैकलिंग के कपड़े थे, क्योंकि अपने आप कह रहे भाई प्लीज हमें ड्रैकलिंग करा दो, प्लीज प्लीज बहन प्लीज करा देते। निशु भैया मैं एक बात बताती हूँ, इतनी मतलब इतनी प्यारी बात है ना, यहाँ पे मिलता है 10 रुपए का एक मास्क वाला, है ना? जहाँ पे सदर बाजार गए ना, 100 रुपए के 100 मास्क, 1 रुपए का 1 रुपए का 1 रुपए का 100 ही नहीं है। हम तो ले आए भाई, इतनी सारी चीजें लेके आए ना, मैं बता नहीं सकती। ये तो मुझे चाहिए, कोई बैम्बू का अभी ये मुझे ना, बाल बड़े होंगे ना मेरे, तो मुझे बाल बांधने के लिए चाहिए लड़कियों की। हाँ तो क्या हुआ, कंघी से ना, बाल कंघी करने से ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, पर एक ही कंघी है, कभी तू कर लियो कभी हम बढ़ा लेंगे। सुनो ये वाला एक बैंड दे देना मुझे। लड़कियों का ये ब्लैक कलर का है ऐसा कुछ? नहीं भाभी ये तो तूफा का है। ये इतना प्यारा कलेक्शन, बहुत सस्ते लेके आए हैं, बहुत सही है। तो भाभी देखो ये भी लेके आया है, लड़की वाले, लड़की वाले। हाँ जितने बॉयज है वो लगाएंगे और गर्ल्स भी लगाएगी। ओके डन। तो यहाँ पे मैंने सारे ना ड्राई क्लीन वाले कपड़े निकाल दिए, और जो हाथ से धोने वाले से टॉवल हो गया, क्योंकि मैंने क्या किया था यहाँ पे ना, ब्यूटी ब्लेंडर अपना धोया था मैंने, इससे पूछ कर दिया था, तो मेरा इस पे लग गया सारे ड्राई क्लीन वाले कपड़े। ड्राई क्लीन वाले भैया को बुला देती हूँ, सब कपड़े आज तो बहुत कम है। तो यहाँ पे मैं तुबर आने आ गई, सुबह से वेट कर दी कि तुबू को मैं बैंड पिनाऊंगी, तो सुबह को मैं पिनाऊंगी व्हाइट कलर का बैंडू, क्योंकि व्हाइट कलर का बैंडू बहुत अच्छा लगेगा ऑरेंज फ्रॉकों पे, क्योंकि ऑरेंज इस पर है नहीं, और व्हाइट कलर का तुबू पे बहुत कुतुबा लगेगा। ये है तुबू और ये बन गई वो मेरी सुंदी पाई।
दिखाओ। और ये है बैम्बू का, इसका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। पर और ये है, ये दिखा दिए, दिखा दिए तुम्हारे लिए। हाँ लड़की वाले पॉइंटेड है थोड़ा, एक तो चार, एक तो जूता, मेरा जूता मैं इसका ले लियो, और एक काम करके दो जोड़ी जुराब भी दे देंगे, ठीक है, हैप्पी। तो गाइस यहाँ पे इतनी सारी ड्रेसेस हैं जो कि कोई भी पहन सकता है हमारे घर में, जिसको आएगी वो पहन लेगा। ये सारी ड्रेसेस मैं लाई हूँ लस्टर भाई कुंजन से, और इसमें से एक ब्लैक वाला ड्रेस और एक और ड्रेस वो गोलू और मैंने पहन लिया था, कहीं कहीं रखा है, और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो अभी इस लगेज को कुछ नहीं कर रही, खोल नहीं रही हूँ इसको, एज इट इज का एज इट इज पैक कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है, शादी के टाइम पे चाहिए होगा हमें, तो इसको खोल के तभी यूज कर लेंगे। और हमारे सारे बैग्स खराब हो गए हैं ट्रैवल के लिए, सब में दो दो निकले हैं, तो एक एक यूज करके क्या रख देंगे, काम आ जाएगा। देखियो बाहर अंदर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अरे फूलू मक्खी लग रही है, सनफ्लावर नहीं होता सनफ्लावर, अच्छी लग रही है ना, है ना। तो इस वाले लगेज में ना मेरे पाल के वो कपड़े हैं जो भी हमने पहने नहीं, क्योंकि मैं और पाल बहुत सारे कपड़े लेके गए थे दिल्ली में, तो हमने सोचा है आज बिल्कुल भी टाइम नहीं, आज घर में बहुत सारा काम है, बहुत है, शादी की भी तैयारियां करनी है बहुत सारी, तो अभी लगेज में रख रही हूँ हमारे वार्डरोब में, और जब कल या परसों जब टाइम मिलेगा ना तब कपड़े लगाएंगे। बोलो ये चीकू का कोट पैंट ना, उसके पापा वाला सेम है, इसको टांग दे, वो किसी फंक्शन में पहन लेगा। मिल गया क्या, गुड्डा बाबू उठ गया भाई, शोकर उठे गुड्डा बाबू, शोकर उठे अभी, शोकर उठते तो ऐसे ही देखते है जैसे पहचानता नहीं है। इसके इसके बाल देखो कर लिए आएंगे भैया, राधे राधे जय। तो गाइस ये वो वाले बाल हैं जो अभी एक स्टाइलिश मेकअप आर्टिस्ट आए थे ना, उन्होंने लगाए थे हमारे बालों में। इनकी हालत तो बुरी सी हो रही है, मुझे लगता नहीं दोबारा ये यूज हो पाएंगे, पर हम इन्हें यूज करेंगे किसी ना किसी चीज में। तो मैं इनको अच्छे से रख रही हूँ उसी पैकेट में जिसमें मैंने ऑलरेडी सारे हेयर एसेसरीज लगाई है, और ये थी वो एसेसरीज बोल रही थी ना मैं, जो हमें 2000 की पड़ी थी, सिर्फ ये और एक ये, ठीक है, और ये दोनों बाल जो है मैं संभाल के रख देती हूँ। हाँ इसको लगाना है, वही का यार, और दूबा खेल रही है ना, तो जैगन का देख के मैंने बच्चे ना लड़के, तुम किस दोनों को कौन सा दिए, लड़की वाले लड़का वाला, लड़के वाले दोनों, तो जैद को भी लड़का वाला बना दूं, ठीक है, तो लड़के वाले, जैद का लड़की वाला निकला बाल, तो लड़की सीकू का भी लड़की वाले निकला था, पता है, ठीक है, तो लड़की वालों की तरफ से है, दो बच्चे लड़की वालों की तरफ से, दो बच्चे लड़कों वाले की तरफ से, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, लड़के वालों की शादी में आएंगे। पायल सुन, मैं ये ना ले रही हूँ बच्चों से, क्योंकि दिमाग में अचानक से बात आई कि बच्चे अगर खेलते खेलते ऐसे हो गया तो निकाल लो, उनके मुंह में लग जाएगी, चीकू तो समझदार है ना, वो तो बिल्कुल ही ना समझे, तो वापस रख रही हूँ, मैंने भी रख दिया, वेरी गुड। और मेरे बच्चे ऐसे मत बोला कर, कुछ दे दो, तेरा घर है, तू ये बता खाएगा क्या, चूर प्याज का प्रॉन्थ, मेरे तीन बच्चे हैं यहाँ पे, तुम्हारे पीछे थोड़े भागूंगी, छोड़ दे बच्चों को, चल भागने यहाँ पे है, तुम सबको कुछ नहीं पता, सिर्फ सब कुछ मुझे पता है। खाने की जगह पे क्लिपे रखी हुई है, पायल प्लीज ढूंढ पायल, नहीं ये गोलू दिल्ली जाने से पहले यहाँ ही देखे थे, तो ये खा गए बाबू पीछे से, नहीं नहीं चीज तू नाराज मत हो, मैं ढूंढती हूँ, नाराज मत हो, मैं ढूंढती हूँ, एक सेकंड ढूंढने पड़ेंगे पापड़, पापड़ पापड़ ढूंढने पड़ेंगे, ना काम खिला देती है हमारे, हाँ। मैंने क्या किया, इसके चक्कर में घूमते रहेंगे, काम रह जाएगा, मुझे बोला कि मम्मी पापड़ खाने हैं, मिला पापड़, यार नहीं पापड़ तो नहीं मिला यार, मम्मा शांति पूछ क्या, तू शांति पूछ क्या, मैं ढूंढती हूँ, भाभी जी मिले पापड़, यार पापड़ तो नहीं मिले, बिस्किट मिल गए, सोच रहे बच्चों को बिस्किट खिला दूं, पापड़ तो मिल नहीं रहे, वहाँ जाके पापड़ हो गए गायब, मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए, उधर कहाँ गए, तो गाइस तूबा कलेक्शन विद मोर मोर क्लिप्स, अभी सदर बाजार के जो क्लिप्स है ना वो भी तूबा के कलेक्शन में डाल दी है, और बहुत सारे क्लिप्स आ गए तूबू के पास हमारी, तब इसके बाल बड़े होंगे ना, उसने क्लिप, हमने आज एक क्लिप का नुकसान हो गया, आज क्या हुआ सुबह तूबा ने ना कुछ ऐसा क्लिप लगा रखा था ऐसे करके, यहाँ पे अयान की नजर पड़ी, अयान रोने लग गया, फिर अयान का क्लिप तूबा को दे दिया, पता नहीं क्या हुआ क्लिप टूट गया, ये रहा टूटा हुआ क्लिप, टूटा हुआ खाब है तू, आगे क्या होता है, आगे कमेंट में बता दे, आगे आप बता देना, हमें नहीं पता। तो भाई ये हो गया हमारा हेयर एसेसरी बॉक्स, अब इतना पता होगा कि घर में या फंक्शन, तो वैसे भी फंक्शन हो ना हो ना चीजें सारी मैनेजेबल सही रहती है, तो मैं सोच रही हूँ पायल अभी हमें हेयर बैंड की जरूरत नहीं है, अभी हेयर बैंड की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट ना सारे सही रहेंगे, तो नीचे वाला सेक्शन खाली, इसमें डाल दो हेयर बैंड,
तो गाइस ये वाला जो बॉक्स है ना, हमने ये पिंस वाला बना रखा है, मतलब जितनी भी पिंस हमें चाहिए होती है हेयर बनाने के लिए वो सब मैंने इसमें बना रखा है। बोलो ये हेयर आर्टिस्ट के ये रह गए हमारे पास, टेल को उनको दे दूंगी। कौन से वाले हेयर आर्टिस्ट के? अब वो दोबारा थोड़ी आ रहे हैं, तो मैं ये यहाँ पे रख देती हूँ ताकि जब भी चाहिए होगा ना हमें कोई और डिब्बा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे इसमें तो आई नहीं रहा, इसके लिए एक छोटा डिब्बा बना खोल के डाल देंगे सारी आ जाएगी। ना ना फिर मिक्स हो जाएंगी, इसको एक डब्बा अलग से बना देती हूँ। तो जितनी भी हम लोग सॉक्स लेके आए थे ना सारी ऊपर रख रहे हैं, अगर मैं भूल जाऊँ ना कमेंट करके बता देना, सारी सॉक्स ऊपर रख रहे हैं क्योंकि सारी सॉक्स अगर निकालेंगे ना, जितनी भी सॉक्स निकाल लो उतनी कम है घर में, तो फिर फायदा नहीं है। जब कभी इमरजेंसी के बाहर जाना होता है ना फिर नई सॉक्स अच्छी लगती पहनते हुए, तो वो पहनूंगी। तो गाइस ये वो वाले पाउच है जो हम वहां से लेके आए थे, और हमने सोचा है भाभी को कम से कम 21 जोड़ी कपड़े देंगे हम, तो ना मैं ये ला रही हूँ 10-10 और पहले ये 10, मतलब 30 है हमारे पास ये। तो यहाँ पे देखो मैंने बहुत प्यारे प्यारे सूट मंगाए हैं, हर कलर के मंगाए हुए दिखाती हूँ। तो ये तो वो पोटली है जो हमें मिली थी, ये ग्रीन कलर मिला था ना हमें, ये तो लेके नहीं आए थे वहां से। नहीं मैं ये लेके नहीं आई, मैंने ये ऑनलाइन मंगाई है। बच्चों को ना पापड़ दी ना लंबे लंबे, वैसे ना ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि पापड़ दो लंबे लंबे पापड़ दिए तलने के लिए, बड़े इनको पता चल जाता है कि पापड़ आए हैं, खुश हो गए। जूती बैंगल्स ये एक पैकेट में डाल देती हूँ, बाद में जब सजाने वाला कुछ सामान आएगा ना उसमें डाल दूंगी। तो देखो भाई बहुत प्यारी सी जूतियां भी मंगाई है मैंने, हल्दी वाले दिन पहनेंगी भाभी, येलो कलर की सुंदर है ना। तो लॉन्ड्री वाले जो भैया ना वो भी आ गए, तुमने सारे कपड़े हो रहे लॉन्ड्री के इतने सारे, बिल्कुल सही टाइम पे भैया को बुला लिया। तो बस अभी मैं और पायल भी 2:30 बज गए, फटाफट काम करते हैं फिर नहा धोके निकलते हैं मार्केट। शांति मंदिर वाली अलमारी में मैंने जगह बनाई है भाभी के लिए, तो जितने भी कपड़े आते रहेंगे ना वहाँ पे ऐसे पैकेट में डाल के रखते रहना। 20 पैकेट ये पड़े हैं और पहले के भी पड़े होंगे, पहले भी लाई थी, वो कहाँ रखे पैकेट? कहाँ होंगे सारा सामान जो भाभी की शादी के लिए सामान रखा होगा। तो पीछे पैकेट थोड़ी खाली सामान रखा है, ऐसे खाली पैकेट लाई थी मैं 10, यहाँ से खरीदे थे मैंने 450 रुपए के, वहाँ से लाई मैं 150 रुपए के। अभी कभी भी शादी की शॉपिंग करनी हो तेरे भाई की हो किसी की हो, सीधा जाइए सदर, लहंगा ज्वेलरी सब कुछ तेरे को सस्ता मिल जाएगा। जो मेकअप तेरी भाभी के लिए पूरी ज्वेलरी, ये ज्वेलरी बॉक्स कितने का होगा बता, ये मेकअप बॉक्स अपने अंदाज से बता। यहाँ तो बहुत महंगा, फिर भी बता, यहाँ 350 रुपए का। और ना सदर से जो अभी ये देखिए मैंने पैकेट बनाया ना पूरा, ये बता दे शांति 100 रुपए की है। हाँ, ये देख सदर से ये सारी मैं लेके आई हूँ 600-700 रुपए में, और हमने उस दिन 2000 की दो ली थी, 2000 की दो ली थी, ये वाली आई थी ना उस दिन, ये और उसने जुड़ा लगाया था वो इतने अच्छे भी नहीं, वो 2000 का था। जुराब दिखाई 150 रुपए के 12 जोड़े, यहाँ 4 जोड़ी मिलेंगे। अगली बार हम जाएंगे हम सबके लिए जुराब दिखे, किसी को पैसे देते शगुन के, ये यहाँ पे मिलेगा 100-150 रुपए का, हम 50 रुपए का लाएंगे। पायल में सारा सामान ना इसके अंदर रख देते हैं, बोलो ऐसे मत करना बाबू, देखे ऐसे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ क्या पड़ा। अब जो फैला हुआ है सामान एग्जैक्ट वहाँ रखेंगे, हमें पता होगा यहाँ ये चीज है, हम वही खोल। एक काम करती हूँ फिर ये भी खोल के ना जो सामान ना एक्स्ट्रा वो एक ट्रॉली बना देती हूँ, बना ली। बोलो भाभी। हाँ जी, नाखून ठीक चल रहे हैं? और क्या, नाखून में दिक्कत दीदी? ये तो नहीं नहीं नाखून लगाए थे थोड़े अटक रहे थे। ये भाभी के लिए चप्पल सेम जैसे मैंने ली थी ना, नहीं जैसे गोलू ली, मेरी शादी की चप्पल शादी में वैसी सेम ली है, रोज गोल्ड में एक जोड़ी जूती और एक जोड़ी चप्पल। सच में इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी ना, इसी ब्रांड की मैंने ली थी, इसी ब्रांड की पायल ली थी, इसी ब्रांड की भाभी के लिए ली है, क्योंकि पता है ना जो चीज इंसान पहनता है उसको यूज करता है तो पता होता है। सच में बड़ी प्यारी चप्पल है। मैं कह रही हूँ मैं ये सब ना संभाल के रख दूंगी, लड़के वाले तुम लोगों की शादी होगी ना तब भी काम आ जाएंगे। गुची कॉपी गुची तो क्या हो गया, कॉपी से ही तो बंदा ओरिजिनल देखता है। तो गाइस 4 लगेज का सामान हमने सेट कर दिया, 4 लगेज जो अभी हम दिल्ली से लेके आए ना वो सब सेट कर दिया है। यार मैं ये बात बोल रही हूँ, मेरे जैसा बंदा हो ना 2 दिन लग जाए सामान खोल के सेट करने, तो पायल है क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं पायल को बोलती हूँ पायल तो मुझे बता दे क्या क्या करना है, पायल मुझे बताते कुछ सामान जो मुझे समझ आता है मैं वही रख देती हूँ, अगर डीप सामान में नहीं जाती मैं, तो जो सामान मुझे पता है ना घर में जहाँ रखना होता है मैं वहाँ रख देती हूँ। एक नया ब्रश पड़ा हुआ था तूबा ने जैसे ले लिया, जैसे तूबा से ब्रश था ना तो अयान आया, मेरे को आंटी ने बुलाया इधर उधर, जैसे मैं गई ना अयान तूबा को कह रहा है ए दे दे, मैंने बोले ब्रश लिया, मैंने कहा एक ही शर्ट पे दूंगी पहले दूध पिएगा, तो जैसे दूध मुंह में डाला ना ब्रश भी दे दिया, फिर लग गया। मैंने ये मंगाया तेरे लिए जी, मेरे कहाँ आएगा पाय, अरे अच्छा लगेगा देख। हाँ कुछ तो बन ही जाएगा मेरा देख, है ना छोटे बालों का ना ये देख, सही बस सही बोल रही है, सारे फंक्शनों में मैं ऐसे करा लूंगी। और क्या अपने बाल खराब नहीं करवाएंगे? हाँ बहुत अच्छी गाइस, जब भी हम हेयर आर्टिस्ट से बाल करवाते हैं ना वो इतने ज्यादा मूव इतने ज्यादा स्प्रे वगैरह लगाते हैं कि अगले दिन ना बालों की हालत ऐसी हो जाती है बहुत भुंडी, तो मैंने इसके लिए ना हाँ यहाँ पे ब्रश पड़े थे, नहीं कौन से अभी तो मैं नया ब्रश पीछे पड़े पीछे दूंगी एक ही ब्रश उनको, वो हार्ड है वो मत दियो उनकी मसूड़े छिल जाएंगे। दूध पीने के लिए दिया, मैं काम करूंगी ना दूध पी रहे मुझे डाल पाएगा ना, करते हैं अभी चलते हैं मार्केटिंग के लिए, 3 ब्रश ले आते तीनों के लिए, सॉफ्ट ले आते हैं। गई आन के पास मैं ब्रश दे दी, मम्मी कह रही मसूड़ा फूल जाएगा खराब हो जाएगा मसूड़ा तेरे को कुछ हो जाएगा, तो मैंने ऐसे करके ना ऐसे करके पीछे रखना था, तो मैंने ऐसे करके ना ऐसे कर लिया, जैसे ऐसे किया ना तो देखा आन के देख रहा था कहते दे दे, ऐसे करके छुपा रहा था ऐसे करके ना ऐसे करा, उसने देखा कह रहा दे दे, बुलाइए उसके एक बार फिर से बोल रहा दे दे, शांति लाइए एक बार दे दे को दे 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 प्लीज, अब ये मुंह में डाल रहा है।
चुपड़ी मुंह करके देख रही हो नहीं कुछ लोगों के ना कल कमेंट आ रहे थे बहुत ही गंदे, तो देखो जैसी सोच वैसे ही कमेंट करेगा, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको एक मिनट। तो एक कमेंट तो जस्ट अभी अभी मैंने पढ़ा है, वो मेरे लिए आया स्पेशली कमेंट है, ये भेजा है कमेंट आरव ने, वो लिख रहे हैं पायल ऑलवेज हाईलाइट बैड कमेंट्स ऑफ गोलू हाउ मीन वो भी सबके सामने एंड अरमान्स लुकिंग सो हैंडसम। तो इसका जवाब गोलू खुद ही दे देगी। कमेंट नहीं सुना। लोग कह रहे हैं कि मैं हमेशा बैड कमेंट तेरे लिए जो आते हैं वो हाईलाइट करती हूँ सबके सामने। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरे लिए बहुत, अब मैं बता रही हूँ ना, ऐसे दो कमेंट और भी आए हैं मेरे लिए भी आए हैं पायल के लिए भी आए, तो आज वाला आपको सुनाऊंगी कि पायल के लिए भी जो बुरा कमेंट आया उसका भी जवाब देते हैं, जो मेरे लिए आता है उसका भी देते हैं। हाँ तू बिल्कुल सही बात है। मेरे लिए कमेंट आया था अभी वो मिल नहीं रहा, मैं ढूंढ के ना हाईलाइट जरूर करूंगी उस कमेंट को। वो कमेंट ये था कि अयान पायल के पास सिर्फ और सिर्फ स्पिनर के लिए बैठा हुआ है, अदरवाइज वो अपनी माँ को प्यार नहीं करता है, ये कमेंट था मेरे लिए। और गोलू के लिए कमेंट था कि गोलू ने जैद को में नहीं लिया है ना, ऐसा कुछ था कि गोलू जैद को प्यार नहीं करता। मैं ढूंढ के बताती रुको, अब बहुत देर लगेगी, इतना टाइम नहीं हमारे पास। तो कमेंट है सयमा का, जैद वाज वेरी सैड विदाउट हिज मदर, व्हेन कृतिका कम शी वाज नॉट हैप्पी, जैद आई सो इनोसेंट ही वाज सैड, प्लीज कंसीडर कृतिका केयरफुली, प्लीज नेवर लीव जैद, आई एम बेगिंग यू। देखो मैं बिल्कुल भी हमारा मन नहीं करता कि हम अपने बच्चों को छोड़ के जाए, बट सिचुएशन कभी कभी ऐसी होती है, कुछ ऐसे काम होते हैं कि हम लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारी मीटिंग्स होती है, बहुत सारी इवेंट्स होते हैं। धीरज भैया बड़े प्यार से आए थे कि हमें बुलाने के लिए कि भाभी हमारे वेडिंग में आना, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हुई जब जैद आया, मैं बहुत ज्यादा खुश थी, पर जैद ना उस टाइम पे सोकर उठा था, तो वो हैरान सा हो गया कि ये कौन कौन सारे बच्चे बैठे हुए हैं और कौन कौन बैठे हुए लाइटें देख के, तो इसलिए उसका रिएक्शन उस टाइम पे ऐसा था। चीकू बाबू मेरा ना यहाँ पे नोज पिन पड़ी थी डायमंड की, कहाँ गई? मेरे पास नहीं है बेटा, मैं यहाँ रखी गई थी। मेरे पास थोड़ी है, हाँ हर चीज का नाम मेरे पे लगा देते हो यार। बाबू मैं यही तो छोड़ के गई थी, मेरे पास नहीं है। तो गाइज दिल्ली जाने से पहले ना एक ना डायमंड की नोजपिन थी जो पायल बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, पायल की फेवरेट नोजपिन, तो मैंने इस ड्रॉर में रख के गई थी और मेरे को याद ही नहीं रहा। अब घर आके पायल ने बोला गोलू वो नोजपिन दे दे पहन लेती हूँ, मैंने नोजपिन यहाँ रखी थी, वो नोजपिन पता नहीं कहाँ गायब होगी, क्योंकि चीकू के ना टॉयज यहाँ पे पड़े हुए, तो चीकू को पता होगा। चीकू एक बार याद करके देखो आपके टॉयज थे, सो ना। नहीं मेरे पास वही है। नहीं पता तो ढूंढवा तो दो। ठीक है ढूंढवा तो।